नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्टेट न्यूज नेटवर्क, मैं हूं रंजन। ये विजुअल्स इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं लेबर ऑफिस के अंदर से, जहां पर जोमैटो जितने भी ड्राइवर जोमैटो राइडर्स जितने जो आपके घर पर खाना डिलीवर करने आते हैं, जब भी आप जोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हैं, ये लोग आपके घर पर आते हैं, आकर खाना डिलीवर करते हैं। और आज ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे प्रदर्शन का वजह क्या है वो इनसे जानेंगे। सर, क्या वजह है आपके प्रदर्शन की? सर, हमारी ये वजह है कि इस टाइम पे जितने भी हम लड़के खड़े हैं यहाँ पे, हमारा मेन जो रेडियस पे है, ठीक है, कंपनी ने हमारा रेडियस बढ़ा दिया है, तो जो पैसे हैं वो कम कर दिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज से जो 2.5 साल पहले हमारा रेट था ना, हमें मिलते थे 3500 रुपये, अब हमें मिल रहे हैं 2500 रुपये। जो 2.5 साल पहले पेट्रोल का रेट था वो कम था, अब रेट ज़्यादा हो गया और हमें मिल रहे हैं 2500 रुपये। 15 किलोमीटर हम जाते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर खाली वापस आना पड़ता है, 2500 रुपये मिल रहे हैं, चाहे वो स्कूटी वाला है चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है, ठीक है। क्या रेडियस था आपका पहले? जो हमारा था, ये लड़का बताएगा अभी आपको जी, पहले कितना रेडियस था आपका? सर, जो हमारा रेडियस था पहले, अगर हम चले जाएँ 2 साल पहले की बात करें, 35 रुपीज़ मिलते थे, रेटिंग के पैसे हमें अलग से मिलते थे। बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद दोबारा से कंपनी को हमने शुरुआत की, काम किया, लॉकडाउन था उस बात को हम भी समझते थे, इतनी कमाई नहीं हो रही थी, कंपनी ने हमें दे दिए 25 रुपीज़ पर आर्डर, हम भी काम करते रहे। हमारा रेडियस था 6 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्डर लेके जाते थे 7 किलोमीटर, अब कंपनी हमें 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर आर्डर देने के लिए भेज रही है, बड़ी ब्रह्मणा बिश्नाह बत्रा हॉस्पिटल बीरपुर परमंडल वाले एरिया में 15 किलोमीटर हम आर्डर लेके जा रहे हैं और 15 किलोमीटर हम खाली वापस आ रहे हैं। वो कंपनी हमें ना तो उसके तेल के पैसे एक्स्ट्रा दे रही है ना कुछ, और हमें दूर जाकर भी हमें 25 रुपीज़ ही मिल रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हमारा रेट कार्ड बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ा रहे हैं। सर, हम वो राइडर्स हैं जो हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। सुबह हम 8 बजे घर से निकलते हैं और रात को 11-11 बजे हम घर पे जा रहे हैं। जो फैक्ट्री में एक लेबर काम करने वाली, वो भी 8 घंटे काम करती है, हम 13-14 घंटे काम करते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कंपनी वालों का क्या कहना है? उनका कहना ये है, जो वो हमें अभी रेड कार्ड दे रहे हैं, वो घुमा फिरा के हमें वापस वहीं पर आ रहे हैं। जब आपने उन्हें कहा कि हमारा रेड कार्ड वापस बढ़ाइए, तो उस पर कुछ उन्होंने बढ़ाया, कोई चीज़ कम की, कुछ बढ़ाया, लेकिन वापस वहीं पे लाए हमें, जहाँ पर हम पहले थे, तो जहाँ पे थे वहीं पे वापस आकर खड़े वहीं पे ला रहे हैं हमें। अभी आप लेबर ऑफिस आए, यहाँ पर क्या कार्रवाई, यहाँ पर क्या बात करने वाले आगे? अभी कार्रवाई जी है, हम आए हैं जहाँ पे एप्लीकेशन लेके, अब जो भी होगा अब देखेंगे ऑफिस के अंदर जाके क्या कार्रवाई होती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या, आपकी आगे का क्या रहेगा आने वाले वक्त में क्या करें? पहले तो हम अभी बोल नहीं सकते जहाँ पे हमारी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी हम अंदर जाएंगे बात करेंगे। अगर जहाँ पे भी सुनवाई नहीं होती, फिर बहुत इससे भी बहुत ऊपर जो ऑफिस हैं वहीं तक हम जाएंगे। तो ये वो जोमेटो राइडर्स हैं जो ना दिन देखते हैं, ना रात, ना बारिश देखते हैं, ना धूप, हर वक्त कोई भी ऑर्डर होता है उसे उसको डिलीवर करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इन्हें मिलता क्या है बदले में? पैसे तक इन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाते, पूरा इनका तेल का खर्चा तक नहीं निकल पाता। और कंपनी ऐसी कि इनकी डिमांड जो है, जिस डिमांड को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर भी इनकी सुनवाई नहीं है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये लोग 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी आज ये लेबर ऑफिस आए हैं और हो सकता है यहाँ पर इनकी शायद कुछ सुनवाई हो जाए और शायद ये लोगों का जो इशू है रिजॉल्व हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज्यादती जो है इन लोगों के साथ जोमैटो कर रहा है। हालांकि पहले भी जोमैटो कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन एक बार फिर से आज जम्मू में जोमैटो राइडर्स को लेकर जोमैटो एक बार फिर से सुर्खियों में। आप देखते रहें फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क, मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।